दिन में दो बार दर्शन दे, समंदर में गायब हो जाता है ये मंदिर, स्तंभेश्वर महादेव टेम्पल इन गुजरात। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल है रुचि ने, आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। क्या आप भारत के ऐसे मंदिर के बारे में जानते हैं जो देखते ही देखते अचानक समुद्र में गायब हो जाता है और फिर अचानक से दिखने लगता है, जहां पानी भी दो बार शिवजी का जलाभिषेक करता है? यहां हम बात कर रहे हैं गुजरात के स्तंभेश्वर महादेव मंदिर की। इस मंदिर की खासियत है कि ये दिन में दो बार गायब हो जाता है और फिर बाद में अपनी जगह नजर आने लगता है। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जमा होती है। चलिए जानते हैं मंदिर गायब होने वाली घटना का रहस्य। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता सिंह, यूनिवर्सल फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। वैसे तो भारत में कई मंदिर हैं जो अपनी अनोखी मान्यता और परंपरा की वजह से प्रसिद्ध हैं, लेकिन स्तंभेश्वर महादेव मंदिर की बात कुछ अनोखी है। दरअसल ये मंदिर दिन में दो बार यानी सुबह और शाम के वक्त कुछ समय के लिए ओझल हो जाता है। ऐसा लगता है मानो यहाँ मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद जब वो वापस दिखाई देता है तो हर कोई हैरान हो जाता है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ये अद्भुत मंदिर गुजरात के कावी कंबोई गांव में है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर वडोदरा से 40 मील दूरी पर अरब सागर के मध्य कैम्बे तट पर स्थित है। यहाँ की सबसे अनोखी बात है कि देखते ही देखते ये मंदिर गायब हो जाता है और पल भर में फिर से दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है मानो सामने कोई जादू चल रहा हो। इस तीर्थस्थल का उल्लेख श्री महाशिव पुराण में रुद्र संहिता भाग 2 अध्याय 11 में भी मिलता है। इस मंदिर की खोज आज से करीब 200 साल पहले हुई थी। कहा जाता है कि इसे भगवान कार्तिकेय ने बनवाया था। स्तंभेश्वर मंदिर में बना शिवलिंग लगभग 4 फुट ऊंचा है और 2 फुट के व्यास का है। मंदिर के अद्भुत नजारे को देखने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु और पर्यटकों का जमावड़ा लगता है। मंदिर के निर्माण से जुड़ी कथा। स्कंद पुराण में इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी कथा को विस्तार से बताया गया है। कथा के मुताबिक ताड़कासुर राक्षस ने कठोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न कर लिया। जब शिवजी उसके सामने प्रकट हुए तो ताड़कासुर ने वरदान मांगा कि उसे कोई न मार सके। इस बात पर शिवजी ने कहा कि ये तो असंभव है। फिर असुर ने वरदान मांगा कि उसे सिर्फ शिव पुत्र ही मार सकता है और वो भी 6 दिन की आयु का। भगवान शिव ने उसे ये वरदान दे दिया, लेकिन वरदान मिलते ही ताड़कासुर ने तीनों लोक में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया, जिसके आतंक से देवी देवता काफी डर गए और आखिर में महादेव की शरण में जा पहुँचे। ताड़कासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव के तेज से पैदा हुए कार्तिकेय को आगे आना पड़ा। महज 6 दिन के कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध कर दिया, लेकिन जब कार्तिकेय को पता चला कि ताड़कासुर शिवजी का भक्त है तो वो परेशान हो गए। तब देवताओं के मार्गदर्शन पर उन्होंने महीसागर संगम तीर्थ पर विश्वनंदक स्तंभ की स्थापना की, तब जाकर उनका मन शांत हुआ। इसके बाद यहाँ भगवान शंकर स्वयं आकर विराजमान हुए, तभी से इस तीर्थ का नाम स्तंभेश्वर पड़ गया। कहते हैं यहाँ महीसागर नदी का सागर से संगम होता है। दिन में दो बार जलमग्न होता है स्तंभेश्वर मंदिर। स्तंभेश्वर मंदिर में श्रद्धालु शिवलिंग की पूजा करने तो जाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ होने वाले अद्भुत नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। स्तंभेश्वर शिव का ऐसा मंदिर है जिसका जलाभिषेक दो बार खुद समुद्र करता है। दरअसल स्तंभेश्वर मंदिर दिन में दो बार जलमग्न हो जाता है, फिर वापस अपनी जगह पर आ जाता है। स्थानीय लोगों और पुजारियों का कहना है कि यह अद्भुत प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। इस प्राचीन मंदिर के पीछे अरब सागर का सुंदर नजारा दिखाई देता है। मंदिर गायब होने का रहस्य। स्तंभेश्वर मंदिर का गायब होना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक घटना है। दरअसल दिन में कम से कम दो बार समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि मंदिर पूरी तरह से डूब जाता है। फिर कुछ समय बाद जैसे ही समुद्र का जल स्तर कम होता है, मंदिर फिर से दिखाई देने लगता है। ऐसा समुद्र में ज्वार भाटा आने की वजह से होता है। ये अद्भुत नजारा रोजाना सुबह और शाम के समय देखने को मिलता है।
ज्वार आने से कुछ समय पहले ही मंदिर के परिसर को खाली करा दिया जाता है। मंदिर में जाने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों के लिए विशेष तौर पर पर्चे बांटे जाते हैं, जिसमें ज्वार आने का समय लिखा होता है, ताकि उस वक्त कोई भी मंदिर में प्रवेश ना करे। दूर दूर से लोग इसका दीदार करने आते हैं। ज्वार आने की वजह से पानी का स्तर काफी बढ़ जाता है, जिससे मंदिर में विराजमान शिवलिंग के दर्शन नहीं हो पाते। कुछ क्षण के लिए मंदिर जलमग्न हो जाता है। जल स्तर कम होने के बाद ही मंदिर में प्रवेश संभव होता है। स्तंभेश्वर मंदिर के पास हर महाशिवरात्रि और अमावस्या पर मेला लगता है। प्रदोष, पूर्णमासी और एकादशी को पूरी रात यहाँ पूजा अर्चना होती है। दूर दूर से श्रद्धालु समुद्र द्वारा स्तंभेश्वर महादेव के जलाभिषेक का अद्भुत नजारा देखने आते हैं। इस दौरान यहाँ के वातावरण में पवित्रता और रमणीयता का अलौकिक संगम देखने को मिलता है। तो ये था स्तंभेश्वर मंदिर का रहस्य, जहाँ शिव जी के जलाभिषेक का अलौकिक नजारा देखने के लिए भीड़ उमड़ती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो वाकई में मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि एक जो हमने एक स्टोरी सुनी इस टेंपल के पीछे की, वो वाकई बहुत ज्यादा हैरान करने वाली थी, क्योंकि बहुत कम आपको ऐसी जो है स्टोरी सुनने को हिस्ट्री की मिलती है, जिसमें इंसानों ने जो है यानी कि ऐसी जिंदगी मांगी हो जिसमें वो अमर रह सके। लेकिन मैं कहूंगी कि हम लोग जितनी डिफरेंट वीडियोस देखते हैं, मेरे तो जहन में ये चीज आती है कि दुनिया इतने रहस्यों से भरी हुई है, बहुत ज्यादा, कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाते कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं या क्या क्या चीजें हुई होंगी। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम इस टेंपल की बात करें, तो वाकई में बहुत हैरानकुन बात थी। वीडियो जिन्होंने बनाई मुझे बड़ा अच्छा लगा, कि एक तो उन्होंने डिटेल में पूरी स्टोरी भी बताई के पीछे की उसकी की क्या कहानी थी, और उसके साथ साथ उन्होंने उसकी रीजन भी बताई कि क्यों समंदर में वो दो मरतबा आता है, मतलब पानी जो इतना चढ़ जाता है और फिर उसके बाद जो मंदिर है उसके दर्शन नहीं किए जा सकते उस टाइम। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूंगा, देखें इंसान वो बेशक किसी भी हालत में हो ना, बेशक वो डिवोटी हो या आम इंसान हो, मरना नहीं चाहता। हाँ। जिंदगी अपनी वो कहता कि मैं सदा बहार रहूं, लेकिन मौत तो है, आनी है। जब उन्होंने लॉर्ड शिवा से कहा गया मुझे वरदान दीजिए कि मैं जो है अमर हो जाऊं, तो आगे से लॉर्ड शिवा ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसी कोई वो फिर चीज करें कि आपकी सरतान हो, आपकी औलाद हो, वो मुझे मार सके। अच्छा, और उसका देखो दिमाग भी कैसा था, क्योंकि वो ये सोचा था कि नहीं होगा कोई भी आगे से, तो इस वजह से उन्होंने इस तरह की डिमांड की। लेकिन ये कि जिस तरीके से भगवान के अवतार आए और उन्होंने इंसानों को सिखाया, और इंसानों में जिस तरीके की प्रॉब्लम्स थी उनको करेक्ट करने के लिए, या फिर जब बहुत ज्यादा एक हम कहेंगे कि खराबियां बढ़ गई, तो फिर उनको आना पड़ा लोगों की मदद करने। देखें मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगा कि आप जमीन पे जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी लंबी जिंदगी हो जाए, बेशक आपको 100% श्योर हो जाए कि भाई मैं तो मर नहीं सकता, लेकिन फिर भी मौत है। हाँ। मौत आनी है। बट मौसम पता है क्या, पता नहीं क्यों मुझे ना ये, मैं जब भी ऐसी वीडियो देखती हूँ ना, मुझे सीरियसली बहुत क्यूरियोसिटी होना शुरू हो जाती है और से और चीजें जानने के बारे में, कि पास्ट में और क्या हुआ होगा और क्या हुआ होगा, और क्योंकि देखो हर चीज का एक साइंटिफिकली एक लॉजिकल आंसर दिया गया है। बिल्कुल। तो आप जब वो सुनते हो और देखते हो ना, तो आप में और तजस्सुस बढ़ता है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं मंदिर की बात करूँ, तो मंदिर में जिस तरह दो बार पानी आता है और मंदिर पूरा पानी में डूब जाता है, ये मंजर वाकई जो है ना आपको एक हैरत में डाल देता है कि यार क्या है कि पानी दो बार आता है फिर निकल भी जाता है, और कई सदियों से ये चीज चलती आ रही है। तो नो डाउट जिन लोगों ने चीज ना देखी हो ना, वो एक बार हैरान भी होते हैं और परेशान भी हो जाते हैं। क्योंकि हम समंदर के किनारे जितने भी देखते हैं ना, मंदिर देखते हैं या मजार देखते हैं, कभी ये नहीं सुना कि वो डूब गए, यानी कि इस तरह पानी आया, पानी के अंदर चले गए। फर्स्ट टाइम मैं जिंदगी में सुन रहा हूँ कि इस तरह होता है। हाँ, के मतलब बिल्कुल समंदर के अंदर है। और पता नहीं, अब मेरी ये अपनी एक सोच है, लेकिन मैं जो मतलब अभी तक नोटिस किया है कि जितने भी हम लोगों ने ऐसे मतलब शिवलिंग से रिलेटेड वीडियोस देखी हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस थी जो कि शिवलिंग जो है वो पानी के अंदर, किसी नदी के अंदर हम लोगों ने देखे, पत्थरों के ऊपर देखे, अगर उसका यू नो
हम कहेंगे कि कुछ ऐसे थे जो पत्थरों के ऊपर ही ऐसे थोड़े बैठे हुए थे कोई, बिल्कुल। लेकिन ये कि हाँ कहीं ना कहीं पर पानी के अराउंड हम लोगों ने जरूर देखे, यानी कि जहां पे भी देखा है पानी के पास देखा है। और अगर शहरों की बात करें तो शहरों में भी अगर बात करें मंदिरों में पानी या उस पे दूध डालते रहते हैं, कोकोनट वाटर डाला जाता है। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम जो देखी थी उसमें हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हमें बताया था। अच्छा एक चीज मैं जानना चाहती हूँ कि जो शिवलिंग है वो किस तरह बनाया जाता है, यानी किस चीज से बनाया जाता है, क्योंकि देखो अगर हम लोग पुरानी वीडियोस भी देखते हैं ना वहां पर, वहां से लेकर अब तक उसको सेम एक ही तरह बनाया जाता है, यानी कि उसके टेक्सचर में आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। तो मतलब बस एक क्यूरियोसिटी है मुझे जानने के लिए कि ये किस चीज का बनाया जाता है, क्योंकि देखो मतलब पानी के अंदर यानी कि जैसे समंदर है उसके अंदर पानी दो मर्तबा आता है जाता है जो भी उसकी साइंटिफिकली रीजन रहती है उसके बावजूद, लेकिन वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही रहता है चाहे वो कहीं पर भी हो। तो मुझे इस चीज के बारे में जानना है, इसलिए आप लोग मुझे जरूर आंसर करिएगा और किस किस ने दर्शन किए हैं इस मंदिर के जरूर बताइएगा। और मैं फिर यहाँ पर बोलूंगी कि देखो कि जिस तरीके से फिर हम कहेंगे कि हर एक टाइम में एक रावण जरूर रहा है मैं कहूंगी, और उसको खत्म करने के लिए भगवान को भी आना पड़ा है और भगवान ने उसको खत्म किया है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि ये उनके ही हाथ में होता है। देखें कहते हैं कि बुराई दो दिन की अच्छाई हमेशा के लिए, सही बात। तो आप बुरे बन सकते हैं, आप बुराइयां कर सकते हैं, लेकिन कितनी देर, एक वक्त वो आना जब आपकी रस्सी खींची जाएगी, फिर आपका बस नहीं चलेगा, फिर वही होगा जो ऊपर वाले ने लिख दिया हुआ है। लेकिन मौजूद देखो इसमें जब कार्तिकेया ने उनको मारा और उसके बाद मतलब उनको पता चला कि वो लॉर्ड शिवा के भगत थे, तो उसके बाद भी देखो कि उनको भी रिग्रेट हुआ। जो अच्छा आदमी होता है मैं कहती हूँ उसको बुरा फील होता ही है चाहे कुछ भी हो, पर देखे ना यहाँ पे उन्होंने भगवान शिवा से जो चीज मांगी वो भी तो एक किस्म की इस तरह की थी ना कि एक डिवोटी बंदा होता है ना वो अपने यानी कि जिसका वो डिवोटी होता है उसे देखकर खुश हो जाता है, उसकी वो जो एक मनोकामना जिसे कहते हैं वो पूरी हो जाती है। और मौसम ये देखो कि ये 200 साल पहले अगर इसको इसके बारे में पता चला है तो कितने हजार साल पहले ये बना होगा ये हम लोगों को भी नहीं पता। बिल्कुल ये बात तो है। वेल गाइज आप में से किस किस ने विजिट किया है जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, और इससे रिलेटेड कोई और बात आप जानते हो जो हमें नहीं पता है और हम लोगों ने डिस्कशन की है अभी तक लेकिन आपने पर्सनली वहां पर विजिट करके देखा हो जरूर शेयर कीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। और हमें इजाजत मेरे वीडियो लाइक सब्सक्राइब वीडियो की पसंद। गुड बाय।